指やるよ。बेसिकली आप लोग कंफर्टेबल हो जाना चाहिए कि वो और जो भी हम लोगों का शेप शेप के हिसाब से हम लोगों को अनरैप करना पड़ेगा. तो शेप हम लोगों का पे सिलेंड्रिकल शेप है और सिलेंड्रिकल शेप के लिए सिलेंड्रिकल मैपिंग करना पड़ेगा. तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको हम लोग. तो फर्स्ट जो पार्ट है हम लोगों का अपर सेक्शन. अपर सेक्शन में भी देखो काफ़ी सारे पार्ट्स हैं. तो इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कर रहा हूँ एट्रीब्यूट्स में जाने के लिए और यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर दे रहा हूँ. और ये जो सेक्शन है टॉप सेक्शन और बॉटम सेक्शन यहाँ पे ये दोनों फेसेस को भी अलग सेपरेट हो जाना चाहिए हम लोगों को. तो क्या करेंगे उसके लिए, राइट क्लिक फेसेस सिलेक्ट कर लो पूरा का पूरा और कंट्रोल बी सिलेक्ट करने के लिए और कंट्रोल प्रेस करके उस डी सिलेक्ट. ओके, प्रेस कंट्रोल एंड डी सिलेक्ट. तो अभी ये रेडी है सिलेंडर की मैपिंग के लिए. सो यूवी एडिटर और यूवी के अंदर सिलेंड्रिकल मैपिंग इस रिसेट कर लो प्रोजेक्ट डन. अभी यहाँ पे ये जो एरिया है ट्रांसफॉर्मेशन आपका ये प्रॉपर है, स्ट्रेट है, ठीक है. जैसा भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से उसको रोटेट करना पड़ता है. और अगर इसको मैं क्लोज कर दूंगा बॉक्स को तो मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा एक लेवल पे. इसको खाली बाहर निकाल दूंगा डन. नेक्स्ट यूवी के अंदर ये जो सेक्शन है होपफुली हम लोगों का ये टॉप सेक्शन है. ये प्रोजेक्ट होगा टॉप से वाई एक्सिस से. डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो यू कैन सी कि मेरा जो टॉप एंगल है टॉप से प्रोजेक्ट होगा वाई एक्सिस, राइट. यहाँ पे देखो हम लोग का जो टॉप सेक्शन है वाई एक्सिस. सो यूवी प्लानर मैपिंग फॉर्म ऑफ वाई एक्सिस इस प्रोजेक्ट को. फिर से सिलेक्ट करके मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यूवी प्लानर मैपिंग वाई एक्सिस प्रोजेक्ट डन. बाहर निकाल लो इसको थोड़ा साइड में रख लो. जो बॉटम सेक्शन है मेरा इसके भी यूवी चेक कर लो कहाँ पे है. यहाँ पे कहीं पे है ये सेक्शन. सो इसको भी सेम प्रोजेक्ट करोगे. कौन सा एक्सेस में प्रोजेक्ट करोगे वाई एक्सेस प्रोजेक्ट. लेकिन कैसे डायरेक्ट यूवी मोड पे सपोर्ट नहीं कर रहा है वो, तो कन्वर्ट कर दो इसको फेस मोड पर सिलेक्ट कर दो और अभी प्रोजेक्ट कर दो ला. ऑलरेडी वायर में था उसको भी भाग लेना. ओके, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज है, परफेक्ट नहीं आया है यहाँ के जो फेसेस है और एजेस यहाँ पे होने चाहिए थे, राइट है ना. ये सेक्शन प्रॉपर नहीं है ना, कंटिन्यूएशन में नहीं. तो क्या करेंगे जो रियल लाइफ में करते हैं, यहाँ से हम लोग कट करेंगे इसको ये पार्ट को. कितना पार्ट कट करेंगे, कट करके वहां पे आएंगे. तो इसको कट करने के लिए यू हैव टू गो टू पॉलीगॉन कट यूवी एजेस. कट किया मैंने इसे, कट करके यूवीज में जाओ और जस्ट चेक इट शेल कर लो. देखते हो गया क्या मालूम पड़ेगा. अभी भी वो पूरा सेक्शन ही ले रहा है. डब्लू नहीं, अभी तक डिटैच नहीं हुआ है. थोड़ा एक्स्ट्रा एज ले लेता हूँ मैं. पॉलीगॉन कट यूवी एजेस नहीं ले पा रहा.
लास्ट टाइम भी आपका वही सेम इशू हो रहा था ना। अच्छा एक चीज और मैं करके देख रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ये सही से अगर हो गया रहेगा ना तो ये जो एजेस है ना ये इससे कनेक्टेड है। अगर मैं इसको सीव करूंगा ना मूव एंड सीव यूवी तो वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं वो ड्रैग होके पूरा खींच के ले रहा है इसको, दिख रहा है यहाँ पे, तो वो भी गलत है। ठीक है टॉप सेक्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट डबल क्लिक ये शेप पॉलीगॉन कट यूवी एचेस ये एक्चुअली सेक्शन कट हो जाना चाहिए, समहाउ इट्स नॉट वर्किंग। हम लोग का जो बेसिकली ये सेक्शन है ना कट हो जाना चाहिए, देखते हैं। अनफोल्ड करके देखते हैं रिजल्ट। अप्लाई एंड क्लोज आई थिंक हो गया, वो पार्ट उसने वहां पे छोड़ दिया जो हम लोग ने कट किया था। यहाँ के सेक्शंस पे थोड़ा कंफ्यूज है अभी भी। ये हम लोगों का आई थिंक बॉटम सेक्शन रहेगा राइट। देखते हैं वापस से ये जो मेरा एज है ना, जैसे वापस से क्लिक कर रहा हूँ मैं वहां पर, और जो मेरा बॉटम एज है आई थिंक यहाँ तक मैं ले सकता हूँ। ठीक है फिलहाल के लिए मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको यहाँ पे पॉलीगॉन मूव एंड सीव कर देंगे कनेक्ट करने के लिए, परफेक्टली वो कनेक्ट हो जाएगा पॉलीगॉन मूव एंड सीव। जो भी नजदीक के एजेस है इसको मैं फिलहाल कनेक्ट कर दे रहा हूँ जी, ये चलेगा यहाँ का ये नहीं कुछ कनेक्टेड नहीं है। पता नहीं क्यों लिया होगा।
जब से मैं वही ट्राई कर रहा था कट करने का। हाँ ऐसा नहीं है यहाँ पे तो लेंगे नहीं है। This is what I'm trying from last 5 to 10 minutes. Okay, no problem. So, कैसे मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, कहाँ का पार्ट है ये? जब हम लोग एज सिलेक्ट करेंगे ना यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो उसके जो कनेक्टिंग एज है ना वो दिखाएगा। तो बेसिकली जो पार्ट आपका कटआउट है वो सिलेक्ट करके और यहाँ पे डू पॉलीगॉन मूव एंड सेव, मतलब मूव भी होगा और अटैच भी हो जाएगा, ठीक है, अटैच कर देगा उसको, मूव एंड सेव दोनों करोगे कनेक्ट हो गया। अभी देखो ये इसका ही पार्ट रहेगा, जी प्रेस कर रहा हूँ, जी मींस रिपीट लास्ट कमांड, ये कनेक्ट हो गया। अभी इसके सब पार्ट्स कहाँ पे है, कनेक्टिंग पार्ट्स, यहाँ पे कहीं पे है ऐसा लग रहा है। एक बार मैं इसे और अनफोल्ड कर रहा हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड, ठीक है, तो काफी हद तक उसने ट्राई किया रहेगा ठीक करने के लिए। सो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एज और फेस भी तकलीफ में है, तो जस्ट चेक करते हैं हम लोग। और कैसे चेक करेंगे हम लोग, टॉगल यूवी शेडेड करके है, आपका ब्लू कलर नहीं होना चाहिए वहाँ पर, सही है, एक यहाँ पे है इस सेक्शन यहाँ पे, तो ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि कहाँ का पार्ट है ये। तो जब एजेस सिलेक्ट करोगे ना तब समझेगा कि कहाँ का है, ये एक सेक्शन यहाँ का है, एक सेक्शन यहाँ का है, तो देखते हैं। ये देखो जब आप इसको सिलेक्ट करोगे ना दिखाई देगा यहाँ का सेक्शन है, तो जस्ट खाली मैं एजेस को है ना सिलेक्ट करके फर्स्ट शिफ्ट डबल क्लिक सिलेक्ट हो गया, एफ प्रेस कर रहा हूँ, यू कैन सी कि ये यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है और माइट बी द टॉप सेक्शन है ना, हाँ इसी का ही है, एक साथ में मेरा पूरा काम हो जाएगा, टॉप सेक्शन भी हो गया पूरा का पूरा वहाँ पे कनेक्ट होगा एक साथ। कैसे, मूव एंड सीव हो गया कनेक्ट, तो उसका ही पार्ट था। और यहाँ पे अभी भी काफी गड़बड़ दिख रहा है, देखते हैं, आई थिंक यहाँ का पार्ट है, सब ये सब कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, I think सब कनेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं। Move and see, कनेक्ट हो गया। इस शायद यहाँ का कोई पार्ट होगा, चेक करते हैं मालूम पड़ेगा। इसका एंड पार्ट यहाँ पे है। सो देखते हैं कट करके, पॉलीगॉन कट यूवी एजेस यूवीज पे डबल क्लिक करो, हाँ अभी सही है। सो अभी देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट है, सो सिस्टमैटिकली अरेंज कर रहा हूँ। क्या कॉम्प्लिकेटेड शेप है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसी के लिए ये अच्छा है कि आप लोगों को समझेगा, क्योंकि बेसिक स्फीयर से पता चल गया अभी। सो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, पॉलीगॉन मूव एंड सी, याद हो गया रहेगा। ये इसी का ही पार्ट है, तो एक चीज और कर सकते हैं हम लोग कि ये जो पूरा सेक्शन है ना, ये पूरा सेक्शन यहाँ से कट करके यहाँ पे लगा सकते हैं, वो गया, देखते हैं, हो गया अच्छे से, पॉलीगॉन कट यूवी एजेस
और यूवीज को चेक कर लो डबल क्लिक करके कि इतना ही सेक्शन सिलेक्ट होगा आपका, राइट। इसको अलग कर दिया और अभी ये जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन मूव एंड सीव हो गया। अभी ठीक करने के लिए इसको सबको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ जी फिंगर डबल क्लिक शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड परफेक्ट। यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट करना है इसको, ये भी कर लेंगे हम लोग एफ एच मूव एंड सी वापस से डबल क्लिक शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड एफ डन। मेरा आपको प्रोजेक्ट हो गया, मेरा सेशन हो गया। ओके नो प्रॉब्लम। इसको फ्लिप करना है, ये उल्टा है इसके लिए प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं कैसे उल्टा है फ्लिप कैसे होगा। हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, दो ऑप्शंस अवेलेबल है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो ये सेकंड जहाँ पे आपका कलर चेंज हो गया दैट इज परफेक्ट। तो आपको ऐसा कुछ घूमते हुए भी दिखाई नहीं दिया होगा क्योंकि वो सब साइड से कोई। सो स्केल करके वी हैव टू कीप इन 0 to 1 रेंज, सब कुछ इसके अंदर आ जाना चाहिए। शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड सब आ गए अंदर और थोड़ा थोड़ा स्केल करके थोड़ा सा तक को मैं स्केल करके जस्ट मेक श्योर ना कि कोई भी बॉर्डर पे टच नहीं हो रहा है, कोई भी चीजें ना बॉर्डर पे टच नहीं हो रही, जस्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट बस। और परफेक्शन कितना है, कितना अच्छे से काम किया ये मालूम पड़ेगा चेकर से। तो हम लोग ने डिसाइड किया था बेसिकली हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम लोग का ये स्क्वायर शेप में होना चाहिए। यहाँ पे ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं स्क्वायर शेप में है, मींस परफेक्ट है। और एकदम परफेक्शन के लिए इसके अंदर की जो यूनिफॉर्मिटी है जो बॉक्सेस के साइज है वो मैच होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे आई डोंट नो कितना पॉसिबल है। हाँ छोटा करके उससे मैच हो रहा है तो इट्स फाइन। और जस्ट चेक द बॉटम वन ऑल्सो, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा छोटा, ठीक है। तो अप्रॉक्स मैच कर दिया मैंने इसको ऑलमोस्ट सबको। सो नाउ वी आर रेडी फॉर टेक्सचरिंग। सो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। पॉलीगॉन यूवी स्नैपशॉट और ब्राउज माय कंप्यूटर डी ड्राइव वी आर वर्किंग फॉर द क्रिएटिव माइंड एंड बैकशॉट एंड दिस इज बॉटल, दिस बॉटल यूवी एंड दिस सेव रेजोल्यूशन सब टू यू। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप फॉर कीप इट 1500 इमेज फॉर्मेट जेपीईजी 0 to 1 रेंज, 0 to 1 रेंज के अंदर ही रखना आपको, बाकी सारे जो भी एप्लीकेशन है 0 to 1 का रेंज सपोर्ट करता है। आई एम जस्ट से ओके। सो क्विकली वी आर गोइंग टू गो टू फोटोशॉप एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल from D drive, Kailash, not Kailash, directly creative mind, back shot, done, control 0, okay. So now we have to search for the back shot, so we add over here. ये आपका फाइनल टेक्सचर नहीं होगा आपको आइडिया के लिए अभी सेशंस के लिए, बट यू कैन टेक इट लाइक आपको आइडिया आ जाएगा उससे।
अच्छा रहेगा तो अच्छा है. सो यू कैन गो टू साइज मेक इट लार्ज. So I'm just searching for the pattern texture right now. I'm just searching for the pattern texture. See the technique what I'm using now. I'm just searching for the pattern now. तो उसके हिसाब से मैं टेक्सचर असाइन कर रहा हूँ. ठीक है, देखते हैं. ओके, तो आई थिंक कुछ मैं ऐसा ट्राई करता हूँ, देखते हैं. कि थोड़ा लगेगा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा यूज कर सकते हैं, देखते हैं. Save image as, and I'm going to keep the same folder Creative Mind and Backshot. Save, showing folder Photoshop. Rasterize it. Photoshop hopefully सबको आ रहा है. Control T for transformation. Right click, warp, re-exist that. Take a new layer, Shift Alt. यहाँ से मैं और एक layer create कर दे रहा हूँ. Arrow की use करो इसको करने के लिए. Right now just fill with the same color. Alt Backspace, Control D for deselect. Take a new layer for this particular circle also. Shift Alt, drag it. Rearrange it, fill with this particular color. Alt Backspace, deselect, drag it down. Okay. And now just duplicate this particular layer, Ctrl J, and group it together and merge it. Because that was the transparent texture. So just use that. Now I want to change the color. So go to adjustment layer, hue and saturation. Now you can shift the value. Choose whatever color you think like. So somewhere here, I think a little bit of dark. Okay. What will you be? The raw file. And I'm going to save it as a JPEG also. This is the, okay.
and just save this particular file. Body underscore key. One second, save it. And this will give it as a B. Save as. Okay. And we're going to check what is happening now. So just assign the new material. Or a favorite material, just right now assign the lambda. Lambda. To this thing purpose, what is happening inside here. And so you can see so much history. So I'm just going to delete that screen, edit, delete my lambda screen. So you can walk fast. Okay. So it's lambda 3. And inside the color section, this is called render node. Activate that. Go to file. And apply the texture. That is inside V drive, creating my patch sharp color. Press 6 to see what is happening. So it's there for you. It's overlapping inside. So we have, I think this is also overlapping here. So we have to delete that particular section. So let's see how we can do that. So we need or else now just drag it on the top. Let's see. Now check it. Jetpack. Let's replace that particular file. Okay. And inside Maya also, just try to reload that particular texture. Okay, it's already there now. Fine. Just try to reload that particular texture. That is also can be done. So, things coming proper now. Ctrl J, duplicate of that layer. Ctrl T for transformation. Just make it once again. Just duplicate the particular layer. Ctrl J, duplicate. Ctrl T, transformation. Flip, vertical. Flip, horizontal. Just recheck that. We'll try this also. Yes. Will be seamless new one. But you got the idea, I think.